आप सभी से मैं कहना चाहूंगी कि आप सभी ने बड़ा सम्मान किया है और अपना बहुत ही अमूल्य समय निकाल करके आए, भागवत पंडाल की शोभा बढ़ाई, मेरे मनोबल को बढ़ाया है। आज हमारी कथा का है विश्राम दिवस है, तो परसों से यानी 12 तारीख से हमारी कथा का पूजन है भोगांव के पास में ग्राम मौजेपुर, वहां का भी लाइव चलेगा, हर जगह का लाइव चलता है, वहां का भी लाइव चलेगा। आप सभी से निवेदन है कि इतनी दूर आप आ तो नहीं सकते हैं, अगर आ सके तो आ जाएं, और नहीं आए तो लाइव के माध्यम से वहां की भी कथा सुने, लाइव पर अपना थोड़ा समय जरूर निकाल करके कथा का रसा स्वादन करेंगे। आप सभी से मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, जब मैं यहाँ आई नहीं थी मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतने अच्छे हैं, क्योंकि 7 दिन में ऐसा लगा है कि मानो सब यहाँ के लोग अपने ही हो, और क्यों नहीं, जहाँ पर प्रेम होता है वही लोग अपने बन जाते हैं, जहाँ प्रेम नहीं होता है वहाँ अपने भी पराए हो जाते हैं। वो आप सभी ने मुझे बड़ा अच्छा प्रेम दिया है। आज मैं यहाँ से जा रही हूँ, मगर यही कह के जाऊंगी कि आपके यहाँ पर कथा हो, किसी भी भी हो, कोई भी आए, अपना चढ़ बढ़ के उसमें भाग ले और धर्म के प्रति कभी पीछे ना हटें। मैं तो यही भगवान से और आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कि ऐसे ही जिस प्रकार से आपने यहाँ समय दिया, जिस प्रकार से आपने यहाँ मेरा सम्मान किया है, ऐसा ही हर किसी का सम्मान करें, फिर देखना लोग आपका भी सम्मान करेंगे। जा रही हूँ मगर कहते हुए जाऊं जाएंगे के प्रेमी बने जाती और जुड़िया दे जो भी इस कथा की कमेटी है, मैं उन सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी ने एकजुट होकर के ये भगवान की कथा करवाने का जो निश्चय किया है, श्रीमद् भागवत करवाने का निश्चय किया है। मैं सभी लोगों के नाम तो नहीं जानती हूँ, मैं सभी से यही अपील करना चाहूंगी कि आपने बड़ा ही मेरा अच्छा सम्मान किया है। Yeah.
सम्मुख बैठी बनकी छोटी बहना बात बात पे ओ मैया हमने फटकार लगाई जाने के बाद मटी कही और जा बहना नहीं थी कलसा जाने के बाद मैनपुरी यदुपंसी नगर बसुबैया सात दिनों में कथा सुनाई दूसरे न सब माता बहनों दूसरे हो सब भैया क्षेत्र की जनता से असलियो नमस्ते सिलुआपुर प्रदीप भैया फिरोजाबाद बसुबैया यादव मैन पूरी के लाइन जो रहे चलाई हाँ अभी यादव
गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। सभी भक्त खड़े हो जाएं और हाथ जोड़ के भगवान की आरती करें।